एक वक्त था जब इस शख्स को कोई पसंद नहीं करता था, सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाता था, और अब देखो प्यार पा रहे हैं। ये है विशाल सिंह। वेल, प्यार इंसान को तब मिलता है जब उसकी खुद की पर्सनैलिटी निखर कर सामने आए, या फिर कुछ ऐसा उसमें देखने को मिले जो दूसरों को हम पसंद नहीं करते और वो भी उसे रोज करने लगे। जैसे कि इस वक्त वो कभी अरमान को करते हैं, कभी कृतिका को, कभी पायल को, तो अब अदनान को कर रहे हैं। अदनान बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 3 के घर के अंदर इस वक्त है। एक ही हफ्ते के अंदर उन्होंने जो कुछ किया है वो लोगों को बड़ा पथेटिक सा भी लगा है कि बोलबाला बहुत ज्यादा, यानी कि बोलबाला करके आ रहा है, बोल बच्चन करके आ रहा है, लेकिन शो में आके फिसड्डे निकला है। विशाल सिंह ने बहुत ही अलग मायने, जो अलग तरीके देखे हैं अदनान के बिग बॉस के घर के अंदर, उस पर उसने रोज करते हुए नजर आए हैं। उस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले विशाल ने क्या क्या कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। तारिया का भी फेवरेट है, सिर्फ एक, और नाम है उसका अदनान से। और तुम दोनों अपने अंदर ले लो 25 किलो केक। साले कोई राइम है, जब से मोबाइल घर में या जब से इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई चूजा, कोई ना कोई चूजी, 4-3-2-1 आ गया अदनान से। अदनान मेरा भाई, मचा देगा तब भाई। सालो, ये तुम्हारे फूफा का लड़के का मुशायरा कंपटीशन चल रहा है, ये बिग बॉस है। इससे ज्यादा वोट पे ध्यान दो, उस लड़के वोट करो ताकि बाहर ना निकले। गाना देख लो, बाप तो बाप रहेगा। सालो, इससे अच्छा बरसात में सांप निकलता है, बड़ा बाप रहना। तुम्हारे बाप घर के बाहर थे तो रोड पे जा रहे थे, अंदर गया तो अंदर से पुर्जी पेल रहे। कल का एपिसोड देखना सैटरडे का, गरम सरिया डाल के मुंह से निकाला बेइज्जती करके। और बाप के लिए अच्छे कपड़े भेज दो बाहर से, जो 7 रंग के छपरी वाले कपड़े पहन के बाहर वोट अपील का वीडियो बनाया, वही सेम कपड़ा अंदर पहन के ऐसे करा रहे हैं। यहाँ पे कितनी हिम्मत दिख रही है। अगर यही हिम्मत उस दिन दिखा दिया होता जिस दिन धारावाहिक में कुर्ला में लोग पकड़ के प्यार दे रहे थे, तो इतनी बेइज्जती नहीं होती ना अदनान हमारे खराब ना। उस दिन तो यूं करके था और आज यूं। और क्या सबसे बोल रहा है कि 150-200 लोग थे मेरे पे अटैक किए। अबे वीडियो पड़ी इंटरनेट पे, सब देख रहे हैं। गेंद क्या 20-25 लोग थे अटैक के। अटैक तो ऐसे बोल रहे थे कि हमारे देश का सोल्जर है, पीछे से आतंकवादी आकर इनके पे अटैक कर दिया। भीड़ में बकचोदी करोगे तो मार ही खाओगे। पता है लिंचिंग हुआ है मेरे साथ। लिंचिंग, लिंचिंग का मतलब पता है, लिंचिंग मतलब हत्या करना होता है, मर्डर करना। 10 थप्पड़ खाने को लिंचिंग नहीं कहा जाता। ढंग से खेलेगा तो मैं खुद वीडियो बनाऊंगा तेरे सपोर्ट में, और अपनी यूपी बिहार की जो मेरी सबसे प्यारी ऑडियंस है, जहां के लोग मुझे प्यार करते सबसे ज्यादा, उनसे मैं खुद अपील करूंगा तेरे वोट करने के लिए। पर खेल तो सही। अदनान को जिस तरह से विशाल सिंह ने रोज किया है, ये सभी बातें तो सोशल मीडिया पर भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाई बोलने को बहुत कुछ लेकिन करने को कुछ नहीं। और ऐसे में जो लोग हैं सपोर्ट करने वाले अदनान को, वो भी बेवकूफ है। जो अलग अलग शायरियां निकालते हैं, जो अलग अलग नारे निकालते हैं अदनान को सपोर्ट करने वाले, जिसे तुम अपना बाप कहते हो, वो क्या है, उसने आखिर जिंदगी में किया क्या है? टिकटॉक से वो जरूर फेमस हुए, लेकिन उनकी एक ऐसी कोई टैलेंट नजर नहीं आया, उनको कोई ऐसा काम सोशल मीडिया पर आज तक देखने को नहीं मिला जिससे लोग ये कहे कि भाई ये इंसान तो बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पर अदनान को तो रोज कर दिया विशाल सिंह ने और उनके फैंस को भी, लेकिन जिस तरह से बिग बॉस के घर वालों पर अपनी तरह की वीडियोस विशाल लेकर आ रहे हैं, उस पर उन्हें खूब प्यार मिल रहा है। और आप कितना पसंद कर रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाए।